हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन वेसन स्किल्स इंडिया फ्रेंड टू डेम गो ना शेयर वी दू अ मस्ट ब्यूटीफुल इंग्लिश स्टोरी विथ हिंदी ट्रांसलेसन आई होप बा विच दिस टाइप ऑफ ए स्टोरी यू विल भी एबल टू इम्प्रूव यूर कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्पीकिंग ओके सो विदाउट वेस्ट यू टाइम लेट्स द वीडियो एंड लेट्स यू वाट इन द ए स्टोरी उससे पहले देखते स्टोरी का शीर्षक क्या है टाइटल तो वो है ट्रू फ्रेंड्स ठीक है, है, है ट्रू का मतलब होता है सच्चा और फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त ठीक है यानी कि सच्चे दोस्त देअर वेयर फॉर फ्रेंड्स चार दोस्त थे हु लाइफ जो रहते थे इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में ए ब्लैक क्रो एक काला कौआ ए, ए स्मॉल माउस एक छोटा चूहा ए एटोटाइज एक कछुआ एंड ए डियर और एक हिरन ठीक है यानी कि काला कौआ छोटा चूहा एक कछुए और एक हिरन ठीक है हु लाइफ ये लोग रहते थे, थे इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में दे were all ऑल वेरी हैप्पी लिविंग टुगेदर ठीक है दे वेयर वे लोग थे ऑल वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश लिविंग टुगेदर रह रहे टुगेदर यानी कि एक साथ नियर अ पाउंड एक तालाब के पास ठीक है नियर का मतलब है करीब या फिर पास यानी कि एक तालाब के पास जो है लिविंग uh, टुगेदर एक साथ रह करके दे वे ऑल वेरी हैप्पी वे लोग क्या थे बहुत खुश थे एंड दे रियली गॉट टॉन्ग वेल ठीक है और वे लोग वास्तव में अच्छे थे विथ ही चर एक दूसरे के साथ ठीक है यानी कि वे वास्तव में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे आप इस फोटोज में ठीक से देख पा रहे होंगे चार दोस्त जो है एक पाउंड यानी कि तालाब के किनारे रह रहे हैं ये आपका हिरन है और एक छोटा सा आपका चूहा है और ये कछुए हैं और ये आपका कौवे ओके आगे देखते इस में क्या घटना घट गट रही है वन डे एक दिन द क्रो द माउस एंड द टोर्टाइस ठीक है कौवे चूहे और कछुए वेटेड फॉर वेटेड मतलब कहते हैं इंतजार कर रहे थे फॉर एडियर हिरन के लिए ठीक है यानी कि हिरन के लिए इंतजार कर रहे थे कौन कौवे चूहे और कछुए बट ही डिड नॉट टर्न अप परंतु वह नहीं आया लेकिन वह नहीं आया दे वी आर वॉरिड वे लोग थे वॉरिड यानी कि चिंतित ठीक है डेट का मतलब यहाँ पे की होगा ना कि वह क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं डेट्स वाई हेयर मीनिंग विल बी कि ओके यानी कि वे लोग चिंतित थे कि समथिंग बैड हैड हैपेंड कुछ बुरा हुआ है टू द डियर यानी कि हिरन के साथ ठीक है हिरन के साथ कुछ बुरा हुआ है वे लोग चिंतित हैं द क्रो क्यूकली फ्ले देखिए कौवा जो है तेजी से उड़ा अराउंड का मतलब था चारों ओर द फॉरेस्ट यानी जंगल ठीक है जंगल के चारों ओर कौवा तेजी से उड़ा एंड सुन सॉ द डियर और जल्द ही सुन मतलब क्या होता है जल्द ही सौ द डियर यानी कि हिरन को देख लिया ठीक है जल्द ही हिरन को देखा हु वाज कॉट इन ए ट्रैप जो जाल में फंस गया था बाय सॉरी लेड बाय ए हंटर एक शिकारी के द्वारा बिछाए गए ठीक है यानी कि शिकारी के द्वारा बिछाए गए एक जाल में हु वाज कॉट वह फंस गया था द क्रो फ्ले डाउन कौवा फ्ले डाउन नीचे उतरा टू द डियर हिरन के पास एंड सेट और कहा ओह माय पुअर फ्रेंड अरे मेरे बेचारे दोस्त सेल आई कॉल क्या मुझे बुलाने चाहिए द अदर फ्रेंड्स अन्य दोस्तों को ठीक है क्या मेरे बेचारे दोस्त सेल आई कॉल द अदर फ्रेंड्स क्या हमें अन्य दोस्तों को बुलाने चाहिए यस कॉल देम क्यूकली हाँ कॉल देम उन्हें बुलाओ क्यूकली यानी तेजी से बिफोर द हंटर कॉम्स ठीक है शिकारी के आने के पहले शिकारी के आने के पहले कॉल देम क्यूकली उन्हें जल्दी से बुलाओ सैट द स्कीयट डियर ठीक है स्केट का मतलब से डरा हुआ ठीक है यानी कि डरा हुआ हिरन ने कहा ठीक है डरा हुआ हिरन ने कहा कि उन्हें तेजी से बुलाओ जल्दी से बुलाओ शिकारी के आने से पहले द करो फ्लेबैक कौवा जो है फ्लेबैक वापस उड़ा क्यूकली तेजी से एंड टोल्ड द माउस एंड द टर्टाइज ठीक है चूहे और कछुए को टोल्ड किया यानी कि बताया द टाइज सजेस्टेड सजेस्टेड का मतलब कहता है सुझाव दिया ठीक है सजेशन का मतलब क्या था सुझाव और ई e डी लग गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा सो so, कछुए जो है सजेस्टेड सुझाव दिया द माउस शुड गो चूहे को जाने चाहिए एंड गनाओ द नेट और जाल को कतरना चाहिए ठीक है यानी चूहों को जा के जाल कतरने चाहिए बट एम सो स्मॉल परंतु मैं बहुत छोटा हूँ बट एम परंतु मैं सो so स्मॉल बहुत छोटा हूँ हाउ विल आई फाइंड मैं कैसे ढूंढ पाऊँगा माई वे अपना रास्ता टू द डियर यानी कि हिरन के पास तक यानी कि मैं कैसे अपना रास्ता जो है हिरन के पास तक अपना रास्ता ढूँढ पाऊँगा आक्स द माउस चूहे ने कहा द क्रो रिप्लाइड कौवे ने जवाब दिया सिट बैठो ऑन माई बैक मेरे पीठ पर ठीक है कौवे ने जवाब दिया मेरे पीठ पर बैठो द माउस सेट ऑन द क्रो बैक चूहा बैठ गया ऑन द क्रो बैक कौवे की पीठ पर ठीक है कौवे के पीठ पर, पर चूहा बैठ गया एंड द क्रो फ्ले ठीक है और कौवे उड़ा ऐज फास्ट एज इतना तेजी से ही कुड टू द डियर हिरण के पास पहुँच सका ठीक है द क्रो धैन कौवे फिर फ्ले बैक वापस उड़ा टू तो द टोटाइज कछुए के पास ही टू सेट ऑन ही टू वह भी सेट ऑन बैठ गया क्रो बैक कौ के पीठ पर ठीक है वह भी सेट ऑन द क्रो बैक कौए के पीठ पर बैठ गया एंड दे सोन और वे लोग जल्द ही रिस्ट मतलब पहुंच गए ठीक है द डियर हिरन के पास ठीक है और जल्द ही वे जल्द ही रिस्ट द डियर हिरन के पास पहुंच गए द माउस हैड मीन विल चूहा था मीनविल इनकी इसी बीच एस्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था गनाविंग यानी कि कतरना नेट यानी जाल ठीक है यानी कि चूहे जो था मीनविल इसी बीच एस्टार्टेड गनाविंग कतरना शुरू कर दिया था जाल को सोन जल्द ही द डियर वॉज फ्री हिरन आजाद हो गया एंड ही थैक्ड और उसने धन्यवाद दिया हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ठीक है जल्द ही हिरन जो है आजाद हो गया और ही थैंक्ड हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया द फोर ऑफ देम उनमें से चारों या फिर उन चारों हेल्ड मतलब क्या होता है कि थाम लिया इच अदर एक दूसरे को ठीक है यानी कि वे चारों एक दूसरे को थाम लिया एंड वे आयर ग्लेड और खुश थे टू बी बैक टूगेदर एक साथ वापस आकर के ठीक है एक साथ वापस आकर वे आयर ग्लेड खुश थे दे वे वे थे रियली हैप्पी वास्तव में खुश डेट की यानी कि दे वी रियली हैप्पी वे वास्तव में खुश थे कि दे वी एबल वे लोग सक्षम थे दे वी वे लोग थे एबल यानी कि सक्षम टू सेव द डियर डियरण को बचाने में ठीक है हिरण को बचाने में वे लोग सक्षम थे फॉर द हंटर शिकारी से ठीक है शिकारी से हिरण को बचाने के लिए दे वेयर एवर वे लोग सक्षम थे बट सडनली परंतु अचानक दे हेयर्ड वे लोगों ने सुना सम फुट स्टेप कुछ कदमों के ठीक है फुट स्टेप यानी कि कुछ कदमों को जो है आवाज़ उसने सुना थप 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 ठीक है यानी थप 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 करके हुए कुछ फुट स्टेप यानी कि पैरों के की, कदमों की आवाज़ जो है दे हेयर्ड वे लोगों ने सुना द डियर्सेड हिरन चिल्लाया द हंटर इज कॉबिंग शिकारी आ रहा है किक जल्दी से हेड यानी कि छिप जाओ ठीक है जल्दी से छिप जाओ हिरन ने चिल्लाया ठीक है शिकारी आ रहा है जल्दी से छिप जाओ द माउस वेंट चूहा गया इन टू ए होल बिल में ठीक है चूहा बिल में चला गया द क्रो फ्ले कौआ उड़ गया टू द टॉप ऑफ दी पेड़ के टू द टॉप शीर्ष पर ठीक है मैंने पेड़ के शीर्ष पर कौआ जो है फ्ले उड़ गया एंड द डियर और हिरन रैन मतलब क्या होता है कि दौड़ा या फिर भाग गया रैन अवे मतलब दौड़ा या फिर भाग गया इन टू द फॉरेस्ट जंगल में ठीक है और जो डियर था हिरन था रैन अवे इन टू द फॉरेस्ट जंगल में भाग गया या फिर जंगल में दौड़ गया बट द पुअर टोटाइज परंतु बेचारा कछुआ व सोलो धीमा था यू कूड नॉट मूव फास्ट वह तेजी से नहीं मुड़ सका ठीक है वह तेजी से नहीं मुड़ सका नहीं भाग सका दिटराइट वेरी हार्ड ठीक है यहाँ तक कि हिट राइड उसने कोशिश की वेरी हार्ड बहुत uh, कड़ी ठीक है यानी कि बहुत उसने कड़ी कोशिश की परंतु क्या हुआ ही कुड नॉट मूव फास्ट बहुत तेजी से नहीं भाग सका नहीं जा सका द हंटर रिस्ट द स्पॉट ठीक है शिकारी पहुँच गया द स्पॉट मौके पर ठीक है शिकारी पहुँचा मौके पर एंड फाउंड और पाया हिज नेट कट अपने जाल को कटे हुए ठीक है यानी कि शिकारी जो है मौके पर पहुंचा और फाउंड यानी कि पाया हिज नेट अपना जाल कट यानी कि कटे हुए ही वॉज फर्दर इन्फॉरिटेड वह क्रोधित हुआ वेन ही कुड नॉट सी जब वह कुड नॉट सी नहीं देख सका द डियर हिरन को एनी वेयर कहीं भी ठीक है यानी कि ही वॉज फर्दर इन्फॉरिटेड वह बहुत ही वह क्रोधित हुआ वेन ही कुड नॉट सी जब वह नहीं देख सका हिरन को एनी वेयर कहीं भी Then he saw, फिर उसने देखा दिस इस को फिर उसने कच्चुवी, इस कछुए को देखा जो था तेजी से पुल्ड हिज head ठीक है मतलब खींच लिया था तेजी से खींच लिया था अपना सिर हाथ और पैर ठीक है

शिकारी जो है उठाया कछुए को एंड कैप्ट और एंड कैप्टिट और इसे रखा इन हिज बैग अपने बैग में अपने थैले में ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं शिकारी जो है कछुए को अपने थैले में उठा रहा है ठीक है यानी कि शिकारी और कछुए को उठाया और एंड कैप्टिट और इसे रखा इन हिज बैग अपने बैग में द क्रो शॉ कौआ जो है देखा ऑल दिस फ्रॉम द ट्रे ठीक है पेड़ से ऑल दिस ई सबको ठीक है कौआ जो है इन सबको जो है फ्रॉम द ट्री पेड़ से देखा ही क्विकली फ्ले वह तेजी से उड़ा एंड टोल्ड द माउस एंड द डियर ठीक है वह तेजी से उड़ा और टोल्ड यानी कि बताया चूहे और हिरण को ऑफ व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था ठीक है क्या हुआ था कौवा जो है क्योंकि पेड़ से बैठकर सबको देख रहा था और तेजी से क्या हुआ? चूहे और हिरण को उसने बताया द माउस एडवाइज चूहे ने सलाह दी वी शुड डू समथिंग हमें कुछ करने चाहिए ठीक है वी शुड डू हमें करने चाहिए समथिंग कुछ क्विकली यानी कि तेजी से बिफोर द हंटर रीच होम कि घर शिकारी को घर पहुंचने से पहले शिकारी को घर पहुंचने से पहले अभी शुड डू अ समथिंग क्योंकि हमें कुछ जल्दी से करने चाहिए द डियर रन फास्ट हिरन जो है तेजी से दौड़ा एंड स्टूड और खड़ा हो गया इन द क्लियर व्यू मतलब सामने ठीक है क्लियर व्यू मतलब स्पष्ट दिखने के वाले या फिर सामने जा कर के जो है स्टूड खड़ा हो गया ऑफ द हंटर शिकारी के टू डिस्ट्रैक्ट हिम उसे ध्यान भटकाने के लिए ठीक है डिस्ट्रैक्ट का मतलब था ध्यान भटकाना ठीक उसके ध्यान भटकाने के लिए टू डिस्ट्रैक्ट हिम उसके ध्यान भटकाने के लिए शिकारी के सामने जो है खड़ा हो गया द हंटर शिकारी ऑन सिंग द डियर हिरन को देख करके डाउन द बैग थ्रे डाउन नीचे फेंक दिया बैग को विथ द टोटाइज कछुए के साथ एंड रेन आफ्टर और पीछे दौड़ा हिरन के टू कैच हिम उसे पकड़ने के लिए ठीक है यानी कि शिकारी जो है हिरन को देख करके थ्रे डाउन द बैग बैग को थ्रे डाउन नीचे फेंक दिया कछुए के साथ एंड रैन आफ्टर रैन आफ्टर का मतलब होता है पीछे भागा या फिर पीछे दौड़ा uh, हिरन के टू कैच हिम उसे पकड़ने के लिए मेन व्हील इसी बीच ठीक है मेन व्हील इसी बीच द माउस एंड क्रो चूहे और कौवे क्यूकली हेल्प तेजी से मदद की कटोटाइज कछुए को आउट ऑफ द बैग बैग से बाहर निकालने में ठीक है आउट ऑफ द बैग बैग से बाहर निकालने में कछुए को चूहे और कौवे ने क्यूकली हेल्प तेजी से मदद की द डियर रैन सो फास्ट हिरन दौड़ा हिरन भागा सो फास्ट इतना तेज दैट कि द हंटर कुड नॉट कैच हिम शिकारी जो है कुड नॉट कैच नहीं पकड़ सका उसे वेन द हंटर जब शिकारी कैम बैक वापस आया टू द टोटाइज कछुए के पास ठीक है जब शिकारी वेन द हंटर जब शिकारी कैम बैक टू द टोटाइज कछुए के पास आया ही फाउंड हिम उसने उसे पाया टू बी गोन टू मतलब उसे भी गायब ठीक है उसने उसे उसे भी गायब पाया ठीक है एंग्री एंड सेंड क्रोधित और दुखी ठीक है द हंटर वेंट होम शिकारी went होम घर चला गया empty handed हैंडेड खाली हाथ ठीक है नहीं कि क्रोधित होकर के और दुख होकर के शिकारी जो है घर चला गया empty handed हैंडेड खाली हाथ ही हैड नॉट वनली बिन अनेबल ठीक है वह था ही हैड नॉट वह नहीं था वनली बिन अनेबल न केवल असमर्थ टू तो कैच एनी एनिमल किसी भी जानवर को पकड़ने में बट परंतु लेकिन हैड लॉस्ट उसने खो दिया था हिज नेट टू अपना जाल भी ठीक है हिज नेट टू अपना जाल भी हैड लॉस्ट खो दिया था यानी कि शिकारे जो है न केवल आ, जानवर को पकड़ने में असमर्थ था बल्कि उसने अपना जाल भी खो दिया ठीक है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये बेसिकली चारों फ्रेंड हैं शिकारी जो है वापस आ, खाली हाथ अपने घर जा रहा है ये आपका हिरन है ये कौवा है और ये खरगोश ये सॉरी ये कछुआ है और ये चूहा है ठीक है खाली हाथ वो जा रहा है इसी के साथ आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं किसी स्टोरी के साथ तब तक रखे अपना ख्याल बहुत सारा ख्या धन्यवाद थैंक यू सो मच